नमस्कार, मैं वीरेश सिंह। आईटीआई टॉक्सो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस बार का जो मुद्दा है वो मुद्दा मैं लेकर के आया हूँ रीअफिलेशन का, माने रिन्यूअल आईटीआई का। 5 साल के बाद हर आईटीआई रिन्यूअल होती है, उसको आपको करवाना पड़ेगा। हालांकि अभी बीच में नहीं हुई थी, लगभग 2013 में जब QCII आई थी, 11-12 में तब उन्होंने थोड़ा बहुत किया था, लेकिन उसके बाद से फिर रिन्यूअल नहीं हुई है। तो रिन्यूअल करवाना पड़ेगा आपको। रिन्यूअल करवाने के लिए आपको बहुत सारी तैयारी करनी है। तैयारी यही करनी है आपको कि जो उस समय पर आपके आईटीआई के डॉक्यूमेंटेशन थे उसको आपको प्रॉपर रखना पड़ेगा। बिल से लेकर के जो भी जितनी चीजें हैं, आपको सारी चीजों का रजिस्टर, बिल, सारी चीजें रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपकी पुरानी आईटीआई का निरीक्षण होगा रिन्यूअल पे, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है तो कोर्ट ने एक फैसला किया था कि आप डायरेक्ट जो है चार्टेड नहीं चला सकते हो, जिसमें कई आईटीआई वालों ने रिट दायर किया हुआ था, तो उसका फैसला दिया था। अब उसमें डीजीटी ने सुधार किया है कि जब आप रिन्यूअल करेंगे तो रिन्यूअल के साथ में आपको 3 साल के अंदर चार्टेड लेना है। इसलिए जिसके पास एक है ट्रेड तो उसको 2 करना पड़ेगा, जिसके पास 2 है तो वो 3 करे, जिसके पास 3 है तो वो 4 ट्रेड करे। अगर वो 1 है, अगर वो 4 कर सकता है तो सबसे बढ़िया है, अगर 2 है तो वो 4 कर सकता है। ये उसके ऊपर है, उसके क्षमता के ऊपर है कि वो कितना ट्रेड बढ़ाता है, लेकिन इस रिन्यूअल में उसको ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है तो पुरानी जो आपकी आईटीआई है, पुरानी जगह है, जो पुराना जो सामान है उसका निरीक्षण होगा। इसके बाद आपका जो नया ट्रेड बढ़ाएंगे तो उसका निरीक्षण होगा, डॉक्यूमेंटेशन के वेरीफाई होंगे। फैकल्टी जो थे क्या वो आपके एनसीबीटी के MIS पोर्टल पे चढ़े हुए हैं तो वही हैं या चेंज है, वो सारी चीजें आप तैयारी कर लीजिए। इसके पहले आप येलो लेटर जो है तो आप अपने अपने JD को दे दीजिए। 6 महीने तक इस लेटर का मान्य रहता है, इसलिए अगर अगस्त में ये चीजें चालू हुई तो आपके पास अब टाइम नहीं है। इसलिए एलयूई लेटर जो है तो अपने अपने जेडी को भी दें और डायरेक्ट ट्रेड में भी दें, और वहां दे करके आप ये कहें कि आप हम ये ट्रेड था आपके पास और ये ट्रेड आप फला ट्रेड जो है तो बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए कि जो शिफ्ट है वो अब 1+1 हो गई है, 2+2 हो गई है, 4+4 हो गई है, थर्ड शिफ्ट बंद हो गई है। थर्ड शिफ्ट क्यों बंद हुई है ये अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज का जो मुद्दा है मेन रीअफिलेशन का, उसके बारे में आप जान लीजिए। अब रह गई कि रीअफिलेशन के साथ साथ में बहुत सारे लोगों को अपनी सोसाइटी चेंज करनी है, नाम चेंज करना है, मैनेजमेंट चेंज करना है, शिफ्ट करना है, जगह चेंज करना है, तो इस पे ध्यान दीजिए। अगर आप जगह चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो याद रखिए कि आपको ब्लॉक टू ब्लॉक ही शिफ्ट होगी आईटीआई। ऐसा नहीं है कि जिले टू जिले हो, ब्लॉक टू एक ब्लॉक से दूसरे उसी ब्लॉक में ही आएगी, दूसरे ब्लॉक में नहीं जाएगी। जिस ब्लॉक में है उसी ब्लॉक में आप 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3-5 किलोमीटर ब्लॉक टू ब्लॉक ही होगी, इसके अलावा आपकी आईटीआई ये क्लियर हो गया। जो भी आपको नाम चेंज करना है उसके लिए आपको 500 पेपर में एफिडेविट देना है, क्यों नाम चेंज कर रहे हैं उसका शपथ पत्र देना है आपको, तो वकील से बनवाइए। आप मैनेजमेंट चेंज करते हैं तो आप अपने कमेटी IMC कमेटी को बताइए, लेकिन ये सब करने के पहले आप जो आपकी सोसाइटी है, कमेटी IMC कमेटी है, IMC कमेटी का फॉर्मेट मैं अपने वेबसाइट में डाल दिया हूं। वेबसाइट में जाइए, बहुत सारी चीजें आप अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर और रीअफिलेशन का जो है तो रूल, ये सब चीजें मैंने जो है तो डाल दिया है, टाइम टेबल डाल दिया है, एडमिशन पॉलिसी का भी डाल दिया है। तो न्यूज एंड डाउनलोड में जाइए आप और वहां डाउनलोड कर लीजिए। तो चूंकि मैं 1 हफ्ते 10 दिन के अलावा फिर मैं उसको हटा करके दूसरी चीजें डाल देता हूं, तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप हमसे फोन पर बात कर सकते हैं। अब रह गई बात, कई लोगों ने बोला नाम चेंज करना है, तो नाम क्यों चेंज करना है ये आप वकील से बोलिए और जेडी को भी इंफॉर्मेशन दीजिए, डायरेक्टर को दीजिए, डीजीटी को दीजिए, बकायदे मेल से दीजिए और लेटर से भी दीजिए। लेटर का जो है तो सारी चीजें अपने रजिस्टर पे रखिए, चूंकि वो आएंगे तो ये चीजें वेरिफिकेशन करेंगे, अगर वेरीफाई में सही चीज पाए तभी ये होगी, अगर नहीं ऐसा है तो फिर नहीं होगा। रीअफिलेशन में बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। पुरानी चीजों को अगर आपने नई में चेंज किया है, कुछ नई मशीन रखे हो, तो आप अपने कमेटी को बताइए, कमेटी को मेल करिए कमेटी का लेटर कि फला इस तारीख को इस मीटिंग में ये चीजें खराब हो गई, उस चीजें को चेंज किया गया है या कुछ सुधार किया गया है, उसका जायज जो है तो एफिडेविट रखिए, उसका सबूत रखना पड़ेगा आपको, तभी ये आकर के होगा। मशीन बहुत ज्यादा पुरानी होंगी आपकी,
तो मशीनों को समझ लीजिए कि बदलाव करना पड़ेगा आपको। कई चीजें जैसे फिटर की मशीन बहुत पुरानी है, किसी की 2011 12 13 की है, तो वो जनरली नई मशीनें आएंगी आपकी। बहुत सारी चीजों को चेंज करना पड़ेगा आपको, जिसमें मोटर नहीं है वो मोटर आपको लगाना पड़ेगा। जैसे नई पहले कुछ मोटरें कम आती थी, अब कुछ मोटरें ज्यादा हो गई हैं इलेक्ट्रीशियन में, तो वो सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। एक बार आप जो है तो वो उठा लें, सिलेबस उठा लें, सिलेबस उठा करके देख लें, चेक कर लें अब कितनी मशीनें लग रही है, उस हिसाब से आपको काम करना होगा। एल्यूलेटर लेने के बाद आप अपनी पूरी तैयारी रखें, बिल का रखें, जितने भर फैकल्टी है वो सारी रखें। एक चीज और है, दो तीन चीजें हैं, उन्होंने बोला है कि 2.0 से ऊपर होना चाहिए। खैर ठीक है, होना चाहिए, लेकिन एक साल का आपको टाइम मिलेगा उसमें सुधार करने के लिए, तो आप उसको बोल सकते हैं, एक साल के अंदर अपनी ग्रेडिंग को सुधार सकते हैं। इसके अलावा जो है तो एक चीज और बोले हैं, हालांकि ये चीज मेरे को समझ में आई है लेकिन नहीं भी समझ में आई है, कि जिसको CITS को बोले हैं कि 80% CITS वाले आपके फैकल्टी होना चाहिए, तो भाई साहब बहुत जगह पे CITS के फैकल्टी नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि CITS के जो फैकल्टी है वो लगभग आपके जितने भर थ्योरी पढ़ाते हैं, एक या दो, जैसे इलेक्ट्रिकल में मान के चलिए आपके 1+1 है, तो आप एक थ्योरी वाला आदमी होना चाहिए, एक फिटर वाला थ्योरी का CITS होना चाहिए, एक डीजल वाला होना चाहिए, 4-5 लोग या प्रिंसिपल के मिलाकर के होना चाहिए। CITS जनरली क्या है कि इसलिए वो इसका जोर दे रहे हैं, उसमें क्या है कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे एजुकेशन दे, तो एजुकेशन शिक्षक का जो प्रणाली है ट्रेनिंग का वो है, जैसे DEd BEd लगते हैं कॉलेज और स्कूल के लिए, वैसे ITI के लिए CITS का होना बहुत जरूरी है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका सर्टिफिकेट अभी चाहें तो अभी आप रख सकते हैं, 1 महीना है अभी आपके पास, तो आप नए एम्प्लॉय रख सकते हैं, इंस्ट्रक्टर रख सकते हैं, CITS वाले देख लें, लेकिन वही लगाएं जो जायज है। आप बिल्कुल भी फर्जी एक आदमी 10-10 जगह पे काम कर रहा है ये बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि पकड़ा जाएगा, वो आधार कार्ड से पकड़ा जाएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वो अगर काम कर रहा है कहीं तो एक ही जगह पे काम करे, दूसरी जगह पे काम ना करे। तो रीएफिलिएशन के लिए अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से बात कर सकते हो। वैसे मैं वेबसाइट में सारा डेटा लोड कर दिया हूं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, टाइम टेबल भी है, और आपका एडमिशन पॉलिसी भी है हिंदी में, आपके बैठक की कार्रवाई भी है, और IMC भी कमेटी का है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन ये वीडियो बनाना था तो मैं वीडियो बना दिया हूं, और अगला वीडियो मेरा जरूर देखिएगा कि क्या ITI को IIT बनाना चाहते ही है सरकार, ऐसा क्यों, ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारे मुद्दे आपके उठाने वाला हूं, जैसे थर्ड शिफ्ट को लेकर के, एडमिशन को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, और ITI पे आए हुए बदलाव को लेकर के, ये बहुत सारे मुद्दों को, स्कॉलरशिप के मुद्दे को, CSR के मुद्दे को, और अनुदान की राशि के मुद्दे को, वो मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्दी बनाने वाला हूं। तो मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो आज के लिए मैं सिर्फ, बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर रीएफिलिएशन के लिए जल्दी बनाइए आप, तो रीएफिलिएशन के लिए बना दिया, क्योंकि अब तैयारी करने में अगस्त आ ही गया है, कभी भी आपका पोर्टल खुल सकता है, तो इसलिए आप तैयारी करिए। सबसे पहले आपको तैयारी वही करना है कि आपको एल्यू लेटर देना है, और वो लेटर जल्दी से जल्दी लेना है, क्योंकि एक चीज और भी है कि एल्यू लेटर के बाद जो है तो JD को या प्रिंसिपल को भेजा जाता है आपके यहाँ, ये देखने के लिए कि आप ट्रेड बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते हो, क्या इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड वहां बहुत ज्यादा है उस जिले में, तो आप खोल पाओगे कि नहीं खोल पाओगे, तो इसके लिए टाइम लगता है निरीक्षण के लिए। तो जल्दी जल्दी आप बिल्कुल ये काम करिए, तुरंत जो है तो एल्यू लेटर दीजिए आप, और पहुंचाइए, और उनको बोलिए कि निरीक्षण करके वो आपको एल्यू लेटर दें, क्योंकि फिर आप लास्ट में आएंगे, बिल्कुल सब साथ में आएंगे, लास्ट के डेट में आएंगे, तो बहुत सारों का नहीं हो पाता है, तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन आप अपना पूरा करिए, स्कैन करिए, बिल रखिए, हाँ बिजली का बिल जो है तो बकायदे रखिए, मीटर का जो है तो सीलिंग रिपोर्ट रखिए, आप पुराने बिल है जो उनको संभाल करके रखिए, अच्छे से स्कैन करिए, फोन के द्वारा आप स्कैन मत करिए, क्योंकि जब उसका प्रिंट निकलता है तो काला काला आता है, धुंधला आता है, अच्छे क्वालिटी का आप जो है तो स्कैन करके सारी चीजें व्यवस्थित रखिए। आपको कहीं दिक्कत होती है तो मेरे पर्सनल नंबर पे, आप मेरे को ग्रुप में नहीं, आप मेरे को पर्सनल नंबर पे जैसे आप करते हो मेरे को, वैसे ही मेरे को SMS करिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आज तक के इतना ही,
मेरा टॉक शो देखते रहिए, आईटीआई का टॉक शो देखते रहिए, और उसको हो सके तो आगे भी फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमको आप एक सुझाव भी आप हमको दे सकते हैं किस मुद्दे पर मैं बोलूं, क्योंकि जो अगला वीडियो बनेगा वो धर्मेंद्र प्रधान जी को और मोदी जी को भी जाएगा। हालांकि मैं सारे वीडियो अपने टेक करता हूं उनको, तो ये भी वाला वीडियो मैं टेक करूंगा, आपके मुद्दे मैं हमेशा उठाता रहूंगा। आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिए, ये कोरोना की महामारी की बीमारी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, फिर हम एक दूसरे से मिलने लगेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।